ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो सब के आपने पहले उनके बाहर के बंदे घेरे, फिर आपने उनके अंदर के बंदे भी घेर लिए। सर उसी तरह चलेगा सारे के सारे। ये बड़ा वैसे मरियम जी आपके क्या हाल हैं? आपको हमने देखा अभी आपने पूरा क्रिकेट सीजन जो है कवर किया था, ये कैसा रहा? आपने होस्टिंग टाइप भी शुरू कर दी है अब तो। बहुत अच्छा, दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। इट वाज अ लॉट ऑफ फन, वेरी इंटरेस्टिंग। लाइव ट्रांसमिशन कर रही हैं, क्रिकेटर साथ हैं आपके साथ, ताबिश भी हैं उसमें, तो ये आपको मजा आया? बहुत मजा आया। और ये अब आप एक्टिविस्ट भी होती हैं कभी कभी अब आजकल? क्या कभी कभी आजकल का क्या मतलब है? मतलब वो काफी अरसे से हमने देखा ना, अभी आप काफी एक्टिव नहीं थी। There was a time when you were really active. No, I was not politically मैं active नहीं थी, but social activism, दूसरी चीजें तो मैं कर रही थी। हाँ, जब floods आए हुए थे तो हमने बहुत ज़्यादा donations collect करके we went there, हमने वहाँ पर काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत हमारी भी मदद की, बहुत donations थी। तो हम इंटीरियर सिंध गए, यहाँ से हमने काफी अपने ट्रक्स निकाले। सोशल एक्टिविज्म यू स्टिल हैड, मगर अब पॉलिटिकल एक्टिविज्म से आप कुछ अरसे से किनारा कशी इख्तियार करके बैठी हुई थी। नहीं, आई वाज जस्ट क्वाइट। व्हाई? आई मीन क्या, वन ऑफ कोर्स रीजन इज के यू गॉट मैरिड, आपकी शादी हुई, तो इस वजह से भी इंसान बिजी हो जाता है। ठीक है, नहीं ये वजह नहीं थी, मोस्टली आई थिंक वजह ये थी कि मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि बात करनी चाहिए वहां मैं बात कर रही थी। अच्छा, वही बात है ना, कुछ लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि वो कन्विंस नहीं होना चाहते, तो फिर उनसे आप क्या बात करें, अपना ही आप यू नो एनर्जी लेवल्स खराब कर रहे हैं। ये मैच्योरिटी आज से 4 साल पहले नहीं थी। आई गेस सो, यस, नाउ आई एम लाइक यू डू यू आई डू मी, बस बात। लेकिन मैं हैरान हूँ, किसी का दिल तोड़ के बंदा कैसे खुश रह सकता है? क्यों, आपकी शादी होगी है, चाहने वालों की बर्बादी होगी। मुबारक देनी चाहिए उनको। मेरी दिल से आपको मुबारकबाद है। थैंक यू। अल्लाह आपकी जिंदगी बेहतर करे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप खुश हैं अपनी जिंदगी में? अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलो जो जिंदगी इंजॉय करो। असी ते अकरम राई दे गाने सुन रहे थे यार। मरियम ऐसी तो नहीं थी आप, जिस तरह आपने हमें बता ही देती। मतलब मैंने दुख ब्याह का नहीं ना गा, मैंने हो गया ना बैंड वाले होर बुला ले। लेकिन हैप्पी है जी, उस जिन, पहली जिंदगी और इस जिंदगी में क्या चेंज है? ऑनेस्टली कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। अच्छा, अभी भी मैं उतना ही टाइम अपने घर में स्पेंड करती हूँ, अभी भी मैं उतना ही टाइम काम करती हूँ। ये अच्छी बात है कि जब आपको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है तो आप कई चीजें होती है ना सोसाइटली जो आपको कहते हैं वो शादी के बाद करना, अभी करने की जरूरत नहीं है, जब आपको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है ना, यू लाइक अच्छा बस अब मुझे सपोर्टिव क्या, कपड़े इस्त्री करके दे देते हम? हाँ कभी 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 भाई मैं भी करके देती हूँ। बर्तन नहीं, वो वही तो नहीं वो। चले अच्छी बात है, बाद में नई नई शादी हुई है ना, मैं पता चले जना मुबारकबाद देती है। आपको कैसे पता चला? अभी बताया भाई ने। अच्छा, अभी आपको नहीं पता चला। मगर वैसे मरियम आप भी कभी मुलाकात हुई है पहले बाबर साहब से? नहीं नहीं हुई है। और आपको पता है ये नून लीग के हैं? जी अभी पता चला। आपको पता है इनके बारे में? ये नून लीग की बड़ी सपोर्टर रही है माजी। मुझे नहीं पता। बड़ी जबरदस्त एक्टिविस्ट है, बल्कि आपको तो चाहिए इनकी सर्विसेज हायर करें, बड़ी जबरदस्त एक्टिविस्ट है ये, और बड़ा वोट भी बड़ा कीनली, खुद अपना वोट कास्ट नहीं करती, साथ घर वालों को लेके जाती है, मोहल्ले वालों को लेके जाती है, तो इस्लामाबाद के अंदर इनका वोट रजिस्टर्ड है, तो आपको चाहिए कि आप इनको कन्विंस करें कि आपको वोट अगली बारी भी दें। आपको इनसे गुफ्तगु करेंगे, इनको कन्विंस भी करेंगे, और हमारे इस्लामाबाद के जो हमारे चैप्टर के लोग हैं उनको उनका बताएंगे, उनसे रब्ता करेंगे वो। हाँ देखिए मरियम, वो कह रहे हैं इनके इस्लामाबाद चैप्टर के जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो आपको बताएंगे, और फिर जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको सबकी होती है सुन लेंगे। नहीं आप फिर उनको बताइएगा, वोट मांगना जाना चाहिए। हाँ ये वोट वाला टाइम आएगा कब? वोट आ जाएगा, अनकरियो भी आ जाएगा वोट, अभी हमारे तो इलेक्शन अभी उन्हें अक्टूबर नवंबर में। अकरम भाई वोट मंगन के उन्होंने सालन देखेगा काका, अल्लाह पला करे।